के लिए जा रहे हैं। बेसिकली हमारे यहीं पे एक जगह है जज्जर कोटली, थोड़े घर से दूर है, बट हम नहाने जा रहे हैं। तो आपके जो देख सकते हैं यहाँ पे, हेलो बोल दो। हेलो। और ये आपके चैनल के एडमिन, और ये हमारी मम्मा जी। सो गाइस हम जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सो आज का व्लॉग हम दोनों चुन्नू मुन्नू बना रहे हैं। यहाँ पे ये गार्डन ही है ना, तो यहाँ बैठो कुछ खाने के लिए लेके, और इधर बैठ के ठीक है। ये बहुत अच्छी है जो है, लाइट्स के लिए है, ये गई है न्यू है हाई लाइट, ठीक है। तो हम आगे को देखते हैं, बाद में देखेंगे। ये हर एक जगह पे लगा हुआ है। और आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? ना नेवर। ओके तो बच्चे फुल ऑन मस्ती में हैं। आज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस ब्लॉग की, इस टूर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बच्चों के पास है। मैं भी इसमें कभी कभी आपसे आपको अपनी शक्ल जरूर दिखा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर मैं अभी इसको बच्चों के लिए फ़न के लिए लाया मैंने, तो बच्चे यहाँ पर फ़न करेंगे। वहाँ पहुँच गए हैं, अब यहाँ जा रहे हैं, पहुँच गए अभी कहाँ जा रहे हैं? नहीं, लेकिन मतलब अभी हम जज्जर कोटली में हैं, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? ये सीढ़ी कहाँ जा रही है? यहाँ पे आपने शायद गलत रास्ता पकड़ लिया है, इसलिए अभी हमें जाना। तो ये सीढ़ियों से उतर रहे हैं। यहाँ बाढ़ आ सकती है ना? चलो चलो, हैंड में हैंड पकड़ो, चलो। गाइस अभी पानी में बच्चे एंजॉय करते हुए, मैं आज पानी में नहीं उतरूंगा, बिकॉज कल तो मेरा ड्रेस सेंस भी ऐसा नहीं है कि मैं पानी में जा सकूं, और उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है कि मैं पानी में उतरने की हिम्मत कर सकूं। ठीक है, करो जैन। और एमी जीत गया। हमारा नहाना धोना हो चुका है, सो अब हम पार्क जाएंगे। पार्क नहीं, पार्क 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 आपने कितना एंजॉय किया। जब हम कुछ ज़्यादा ही डुबकी मार चुके हैं, तो इसके लिए अब हमें पार्क में रेस्ट करने जाना है। अभी मन्नी, आप अपना कच्चा गले पे क्यों लगा के घूम रहे, पहले मुझे ये बताइए। बताइए
अरे इधर तो देखिए सर, नहीं नहीं आप अपने गले में ही लगाएं, अच्छा रहेगा। अरे यहाँ आज कुछ ज्यादा भीड़ सी लग रही है मुझे। अब हम उस जगह पे जाने वाले हैं, बहुत मतलब यहाँ से आप यहाँ का नजारा ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 वो आएंगे, पहले अब हम यहाँ से जाते हैं। हम कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, हमें पकड़ा दिया पैसा, खुद बैठ गए है ना अभिमन्यु। कोई नहीं, किसी का इस मौके का फायदा उठा के हम यहाँ फोटो शूट करने जा रहे हैं। ओ फोटोग्राफर, इस खाने का सामान ले लिया है सर। ओके, सो अब हम इसको खत्म करने वाले हैं। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में आप जानते हैं जैसा कि मैंने कैमरा जो था बच्चों को दे दिया था, इस वीडियो शूट की थी रुद्राक्षी ने और एमी ने, तो दोनों ने क्या क्या व्यूज हमको दिखाए हैं मुझे उतना नॉलेज नहीं है, वो कहाँ कहाँ गए थे क्या क्या दिखाया, मगर वट एवर दे आर शोन अब मैं आपको बता दूंगा। आई शेयर विद यू कि वी आर एट जजर कोटली, हम जजर कोटली में हैं। जजर कोटली जो है हाफ वे बिटवीन धमपुर एंड जम्मू के बीच का हिस्सा है। यहाँ पर एक जो एक ड्रेन, एक नाला, रिवर कह लीजिए जिसको आप कहते हैं, बहती है, नाम है झज्जर। वो झज्जर रिवर यहाँ बहती है और झज्जर के किनारे ये गांव झज्जर कोटली गांव है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं कि फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खास तौर पे ड्यूरिंग समर्स के टाइम पर। आप जब कटरा आ रहे हैं, वैष्णो देवी आ रहे हैं या मैंने गोइंग टू द श्रीनगर, तो ऑन द वे यू विल फाइंड आउट ये जगह आपको मिल सकती है। और यहाँ पर आने का सही समय तो आपको पता है गर्मी नहीं है, पानी के पास गर्मी नहीं है, throughout the year you can come and enjoy here. It has a good lush green garden है, बहुत अच्छे restaurants हैं, you can also find some bars here also. And खाने की बात करेंगे तो यहाँ की विशेषता जो खाने में है वो है आपके पनीर के पकौड़े। आई होप आपने हमारी ये वीडियो इन्जॉय की होगी। अगर आपने रुद्राक्षी और एमी के द्वारा शूट की गई इस वीडियो को इन्जॉय किया है तो kindly लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।